नमस्कार। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूं क्लैरिफाई करने के लिए फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग गैप फुलफिलमेंट। जी हाँ, देखिए नॉट ओनली माय डायरेक्ट क्लाइंट्स, कई बार ना क्लाइंट्स हमारे एसोसिएट ऑफिसेस में आते हैं, मार्केट में घूमते हैं, एंड बहुत कॉमन चीजें आप जानते हैं, स्पेशली जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे होते हैं, कि आपकी रिज्यूमे में एंड मार्क माय वर्ड रिज्यूमे में गैप नहीं होना चाहिए। एक तो लोगों ने उसको हमेशा सोचते हैं कि एजुकेशन का गैप, मैं कहूंगा रिज्यूमे का गैप। दैट मींस देखिए, मोस्टली बच्चे या ट्वेल्थ के बाद जाएंगे अंडर ग्रेड करने, या कॉलेज के बाद जाएंगे पीजी करने, पीजी डिग्री हो डिप्लोमा हो, आप किसी भी कंट्री में जाएं, फंडामेंटल रिमेन सेम। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल? फंडामेंटल इज आपने ट्वेल्थ किया, जैसे अभी लेटेस्ट स्टूडेंट चल रहा है हमारे पास, ट्वेल्थ हो गया 2021 में। अब हम ये भी जानते हैं कि राइट नाउ आउट ऑफ ऑल दी स्टडी अब्रॉड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया इज मोस्ट पेक्यूलर अबाउट गैप। अब वो 2021 में ट्वेल्थ पास कर चुका है, दो साल से घर में एक्चुअली कुछ खास नहीं कर रहा था, सच्चाई है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था जो ट्वेल्थ के बाद होती है। अब चूंकि गैप हो गया, जाना ऑस्ट्रेलिया गया, तो चलो सर मैं किसी कॉलेज से बात कर लेता हूँ जो मुझे एक या दो साल की डिग्री दे दे, रनिंग डिग्री। इंडिया में देखिए सब होता है, नो कि मैं ऐसी बातें वीडियो पे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कटिंग डाउन दिस एग्जाम्पल, एक्चुअली द पॉइंट इज ना व्हाट इज गैप फुलफिलमेंट। तो चलो कोई बच्चा जेन्युइन भी होता, हमें मानते हैं कि 2021 में ट्वेल्थ किया, कहीं पर बीए बीकॉम में एडमिशन ले लिया किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में, और अब 2023 में जाना चाह रहा है दो साल बीए करके, किस कोर्स के लिए जा रहे हैं? दोबारा से अंडर ग्रेड कोर्स के लिए। तो कहने को तो बच्चा क्या सोचता है कि सर मेरे में तो गैप है ही नहीं, मैं तो लगातार पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन उस कंट्री की तरफ से देखो ना, आप तो दो साल ऑलरेडी बैचलर्स पढ़ चुके हो, मेरे पास दोबारा बैचलर्स पढ़ने क्यों आ रहे हो? सो वंस अगेन देखिए, मैं कई बार शायद पहले भी वीडियो से बता चुका हूं कि अल्टीमेटली स्टूडेंट वीजा इन गुड कंट्रीज, एंड आई रिपीट गुड कंट्रीज, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले लाइफ में थाईलैंड या फिलीपींस से वीजा लगाए हैं, या यूक्रेन किर्गिस्तान के, उनका वीजा लगाना और ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूके का वीजा लगाना कंप्लीटली जमीन आसमान का फर्क होता है। वो कंट्री तो सबको वीजा दे देती है, कई जगहों पर तो वीजा अराइवल होता है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन ये जो ब्लू चिप ए प्लस कंट्रीज है इंग्लिश स्पीकिंग, ये बहुत सोच समझ के देती है। और स्टडी वीजा का मैं फंडामेंटल रूल हमेशा बोलता हूँ, अच्छा बच्चा अच्छे घर से। कमिंग बैक टू अच्छा बच्चा वो होता है जिसकी लाइफ में कोई गैप ना हो। अब गैप का मतलब ये होता है कि भाई ट्वेल्थ के बाद या कॉलेज के बाद अगर आप में साल दो साल, और कॉलेज के बाद तो चार साल का गैप भी चलता है, लेकिन आप जॉब कर रहे हो, वो जॉब भी कैसी जिसमें आपको ऑनलाइन सैलरी मिलती है, दैट इज दी शुड आई से ओनली प्रूफ ऑफ गैप फुलफिलमेंट। अब थोड़ा सा बारीक चलते हैं, ट्वेल्थ का बच्चा था 2021 बैच का ही सेम साइंस का बच्चा था, और वो साबित कर दे कि सर मैंने दो बार ट्राई करा, मैंने जेईई मेन का पेपर दिया या मैंने नीट का पेपर दिया, साथ में हमने लगाया उसका स्कोर कार्ड, और एसओपी में क्या लिखा जाएगा कि भाई आई वॉन्ट टू स्टडी ओनली फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी, मैंने दो बार इंडिया में ड्रॉप लेके ट्राई मारा, दोनों बार मेरी परसेंटाइल 40-30 आ रही है, और मुझे इंडिया में बिलो एवरेज कॉलेज मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया के बदले मैं बाहर पढ़ लूं, क्योंकि बाहर इतना कंपटीशन नहीं है फॉर टॉप यूनिवर्सिटीज, और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नाउ इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, राइट? सुनने में अच्छी लग रही है ना, क्योंकि हर ये टॉप कंट्रीज तो एसओपी में है, या आपके इंटेंशन तो यही चाहती है ना कि यू आर जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, मतलब हर एसओपी ऐसे खत्म की जाती है ना कि मैं पढ़ के कुछ एक्सपीरियंस लेके वापस इंडिया आऊंगा। वो बात अलग है कि 90% इंडियंस में वापस आना चाहते नहीं है, बट एसओपी में या वीजा फाइल में तुम यही साबित करते ना कि मैं वापस आऊंगा। अब आपने ये कहानी बनाई तो बहुत अच्छी लग रही है सुन के कहानी कि सर मैंने ट्वेल्थ किया, मैंने एंट्रेंस दिया, दो बार दिया, ये रहा मेरा जेई मेन का स्कोर कार्ड, और उसके बदले फिर अब मैं बाहर जा रहा हूं क्योंकि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। ग्रेजुएशन वाले के साथ मैंने दो बार कैट दिया, अब कैट एमडीए का पेपर है। लोग कहते हैं सर फिर मैंने दो बार सरकारी नौकरी का पेपर दिया, मैं यही फर्क है ना, सरकारी नौकरी का पेपर देना मतलब ये कि तुम तो ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी देखना चाह रहे थे, अब तुम यूके जाके पढ़ना क्यों चाह रहे हो? हाँ, लेकिन तुमने कैट का एग्जाम दिया है तो तुम ये साबित कर रहे हो कि मेरे को तो टॉप कॉलेज से एमबीए करनी है। मैंने इंडिया में दो बार कैट दिया, मेरी अच्छी परसेंटेज नहीं आई, मुझे इंडिया में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है,
मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ क्योंकि बाहर कंपटीशन कम है और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। सिमिलरली ट्वेल्थ के बाद मैंने जेई का पेपर दिया, नीट का पेपर दिया, जो भी नेशनल लेवल के वर्ल्ड रिकग्नाइज एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बात समझे। लेकिन वही एक साल आप किसी कंप्यूटर डिप्लोमा कहीं से बनवा के ले आए, कहीं पार्ट टाइम डिप्लोमा बनवा के ले आए, सो दैट डजंट फ्लाई, वो गैप फुलफिलमेंट नहीं है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के लिए। तो सबसे बड़ा जो एक गुरु मंत्र है वो तो है जॉब। अगर जैसे आपकी आखिरी पढ़ाई खत्म हुई आप जॉब कर रहे हैं विद ऑनलाइन सैलरी, मैं बार बार कहता हूं जॉब के लेटर का मतलब ही होता है ऑनलाइन सैलरी, बैंक में आना, वो आ रही है तो आपकी गैप फुलफिलमेंट अच्छे से है, वो नहीं है। सो नंबर टू है कि अगर आप किसी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम दिखा दें कि मैं जेईई नीट क्लैट जीमैट जीआरई की तैयारी कर रहा था और उसकी वजह से मेरा गैप आ रहा है, लेकिन कोई छोटे मोटे डिप्लोमा दिला देना, आधी डिग्री दिखा देना कि देखो जी मैंने बीकॉम कर ली थी, मैंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया और एक साल के बाद मैं बाहर आना चाह रहा हूँ, वो कहेगा भाई जो एक साल पढ़ी ले तो पूरे दो साल भी पढ़ी ले, एमकॉम ही कर ले, और तुझे बाहर ही आना था तो बजाय कि एमकॉम करने की तू एक साल जॉब कर लेता। अब फिर इसके अंदर एक फाइन ट्यूनिंग आ जाती है, अगर आप यूएस या कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज में पीजी देख रहे हो जहां पर वो 16 साल की एजुकेशन मांगते हैं तो यही एमकॉम आपका चल जाएगा। फिर आप बोलोगे सर मैंने 3 साल बीकॉम करी लेकिन मैं टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहता था जहां पर 4 साल के अंडरग्रेड मांगते हो। अब इंडिया का सिस्टम ऐसा है कि 3 साल की अंडरग्रेड होती है, तो मैं क्या करता, अपने समय को ऑप्टिमल करने के लिए मैंने 1 साल एमकॉम कर ली ताकि मेरी 4 साल की पढ़ाई हो जाए और अब मैं आपके टॉप यूनिवर्सिटीज में आने के लिए एलिजिबल हो गया। समझे बात को। सो केस क्या है, स्टूडेंट क्या है, ये ना समझना पड़ता है। अब एक तरफ वही एमकॉम बेकार है, अगर आप बीकॉम करके 1 साल की एमकॉम दिखा के कनाडा के किसी कॉलेज में जाना चाह रहे हो, राइट, या यूके की किसी 100 रैंक यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो ऑस्ट्रेलिया की, वीजा वीज आप वही 4 साल दिखा के एमकॉम का 1 साल दिखा के अगर आप ये साबित करो कि देखो कि मैं तो कनाडा की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा हूं जिसमें क्राइटेरिया था ये कि आपकी एजुकेशन 16 साल की होनी चाहिए, तो दोनों चीजों में फर्क हो गया ना। ये फर्क समझना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड रूल सबके लिए नहीं है कि बीकॉम के बाद एमकॉम दिखा दिया 2 साल तो हो गया गैप फुलफिलमेंट, 1 साल दिखा दिया तो हो गया गैप फुलफिलमेंट, वही एमकॉम दिखा के या तो फिर भैया पीएचडी करने जाओ, राइट। सिमिलरली ट्वेल्थ के बाद या तो सबसे बढ़िया तो वर्क एक्सपीरियंस है, वो नहीं है तो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम, और उस एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड जाना पड़ेगा। और कहानी यह बनेगी एसओपी में कि मेरे को तो जी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, मुझे यहां नहीं मिल रहा था तो मैं बाहर चला गया पढ़ने, क्योंकि मेरा जो कोर एम था, जो बेसिक एम था, नॉन नेगोशिएबल एम था जो मेरा, वो है टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना। और ऑफ कोर्स फिर आपकी एप्लीकेशन भी वहीं जानी चाहिए, आप ये नहीं कह सकते कहानी बनाओ टॉप की और फिर पता चले कि आप अप्लाई कर रहे हो किसी यूके की 70th रैंक यूनिवर्सिटी में या कनाडा के सबसे नीचे वाले कॉलेज में। फिर डेफिनेटली जब ये कहानी बन रही है तो आपको वर्ल्ड के टॉप 200 में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक सिंक्रोनस कहानी बनना बहुत जरूरी है। जब भी गैप आ जाता है, आप फ्रेशर हैं आप फिर भी कहानी बना सकते हैं कॉलेज में जाने की, इफ यू टॉक अबाउट कनाडा या यूके ऑस्ट्रेलिया के एवरेज अबव एवरेज यूनिवर्सिटी से कॉलेज में जाने की, लेकिन जैसे गैप आ गया बहुत जरूरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है कि दैट यू आर एबल टू प्रूव दैट दिस गैप इज फॉर अ रीजन। आप इस बात को समझिए, और वो किसी कोई 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 पार्ट टाइम पड़ोस के कंप्यूटर के डिप्लोमा दिखाकर या कैश सैलरी दिखाकर, कैश सैलरी का वर्क एक्स दिखाना और वर्क एक्स ना दिखाना एक ही बात है। एक तो ना इस बात को समझ लीजिए, मतलब ये वर्क एक्स दिखा दिया जी सैलरी कहाँ से मिलती थी, कैश में मिलती थी, पूरा दुनिया समझती है, पूरी दुनिया जानती है कि ये सैलरी या ये वर्क एक्सपीरियंस फर्जी है, राइट। मुंह से नहीं बोलेंगे, वही मैंने बोला कुछ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जिसके नखरे इस समय सबसे ज्यादा हो गए हैं वो तो मना ही कर देंगे, यूके कनाडा फिलहाल मना नहीं करेंगे लेकिन वो वीजा के टाइम में इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पर आपकी सैलरी करंटली ऑनलाइन आ रही है, जिस कंपनी को आपने दिखाया है कि मैं यहाँ काम करता हूं और मार्क माय वर्ड दिखाया है, अगर दिखा भी रहे हो असली में नहीं भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस कंपनी से ऑनलाइन सैलरी ले रहे हो हर 30 तारीख को 31 तारीख को जो भी आपका शेड्यूल बन जाए, द सैलरी इज कमिंग टू योर सेविंग अकाउंट फ्रॉम द कंपनीज करंट अकाउंट। ऐसा हो रहा है
तभी आप गैप फुलफिलमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो। सो गैप फुलफिलमेंट दिखाना, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना बच्चों का खेल नहीं है, खाली कागजी कार्रवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस जो मर्जी करता है हिंदी में पेल दिया, वो काम नहीं चलता। यू हैव टू हैव अ फुल प्रूफ स्टोरी। और मैं बार बार वही कहता हूँ, टॉप कंट्रीज में वीजा का गुरु मंत्र सिंपल है, अच्छा बच्चा अच्छे घर से। जब तक आपने साबित कर दिया तब तक आपका काम हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे थ्रू अपना काम कराना चाहें, 9643362320 पे कॉल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, बाय।